और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उमेश पाल मर्डर केस में कार्रवाई जारी। अतीक अहमद के करीबी कयूम को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अतीक अहमद के बेटे असद, गुड्डू, मुस्लिम साबिर, अरमान को नेपाल की सरहद पार कराने और पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तारी हुई है। नेपाल के कपिलवस्तु जिले के चंद्रोटा से एसटीएफ ने कयूम को गिरफ्तार किया और उसे भारत लाया गया है। एसटीएफ को कयूम से पूछताछ में कई अहम सुराग भी मिले हैं। तो नेपाल के कपिलवस्तु जिले के चंद्रोटा से एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया। एसटीएफ को कयूम से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, यह भी कहा जा रहा है। उमेश पाल कत्ल केस में कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अतीक अहमद ने के करीबी कयूम को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। गुड्डू, मुस्लिम, साबिर, अरमान को नेपाल की सरहद पार कराने और पनाह देने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। नेपाल के कपिलवस्तु जिले के चंद्रोटा से एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को कयूम से पूछताछ में कई अहम सुराग भी मिले हैं। उमेश पाल कत्ल केस में कार्रवाई लगातार जारी और इस कार्रवाई के बीच में लगातार हो रही है गिरफ्तारियां।